దేశాభివృద్ధి కోసం ప్రధాని మోడీ రోజులో 18 గంటలు కష్టపడుతున్నారని చెప్పారు బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా. మోడీ తమకు నాయకుడు అవ్వడం గర్వంగా ఉందన్నారు. అద్భుతమైన పథకాలతో దేశంలో అభివృద్ధిలో దూసుకు వెళ్తోంది అన్నారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి 4 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఎన్డీఏ నుంచి టీడీపీ వెళ్లిపోయినా నితీష్ కుమార్ చేరికతో లెవెల్ అయిందన్నారు. 2014 ఎన్నికల తర్వాత 11 పార్టీలు ఎన్డీఏలో చేరాయని, దాంతో కూటమి మరింత బలపడింది అన్నారు అమిత్ షా. మహారాష్ట్రలో శివసేనతో కలిసి పోటీ చేస్తామన్నారు. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार देश में चल रही है, इसके 4 साल समाप्त होकर हम 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल की समाप्ति पर मैं पार्टी की ओर से सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, उनको भी मैं पार्टी की ओर से बधाई देता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का भी इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं, जिसने सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाया है और लोगों की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है. और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनी. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार जब जनादेश प्राप्त कर सत्ता में आई, तब इस देश के हालात इस प्रकार के थे कि देश की अधिकांश जनता हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से भरोसा खो बैठी थी. मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये देश आगे बढ़ेगा, ये भरोसा लगभग देश की अधिकांश जनता खो चुकी थी. उसी समय अंधेरी रात्रि में एक चमकती हुई बिजली जैसे आशा का संचार करती है प्रकाश के माध्यम से, नरेंद्र मोदी सरकार का आना हुआ और उसके बाद में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया. जब नरेंद्र भाई को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त उन्होंने भाषण में कई बातें रखी थी, मगर आज मैं इनमें से 2 ही बातों का जिक्र करना चाहता हूं. इन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है भाजपा के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार, वो सरकार देश के गरीबों को, देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, देश के पिछड़ों को, किसानों को और गांव को समर्पित सरकार होगी. दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि हम दुनिया में देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दुनिया में देश के गौरव को ऊपर ले जाने का काम करेंगे. और 4 साल के बाद जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने इन दोनों वादों पर खड़े उतरे हैं और दोनों वादों को 4 साल के समय में ही पूर्ण कर 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं. देखिए, टीडीपी निकल गई है तो नीतीश जी नए आए हैं और 11 पार्टियां 2014 के बाद एनडीए का हिस्सा बनी. एनडीए का परिवार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और सिर्फ चंद्रा बाबू जी छोड़कर गए हैं. और जहां तक यूपी का सवाल है, जब यूपी में 2 लड़के इकट्ठा हुए, तब आप सब लोगों ने वोटों का प्लस प्लस कर उनको 242 सीटें दे दी थी. परिणाम क्या आया? भारतीय जनता पार्टी की 325 सीटें आई. यूपी में हम 50% की चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे. अभी 1 साल का समय बाकी है और जब मतदाता सरकार बनाने के लिए मत डालता है, वोट देता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे या कोई और होगा, तब मत देने का एक, वोट देने का एक अलग पैरामीटर्स होता है, उपचुनाव में एक अलग पैरामीटर्स होता है, इसका कोई मेल नहीं होता है. ममता जी और चंद्रबाबू नायडू जी एक मंच पर आएंगे तो आंध्र और बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे. कुमार स्वामी जी और येचुरी जी एक मंच पर आएंगे तो कर्नाटक और बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा.